ईट दैट फ्रॉग। ये किताब प्रोडक्टिविटी के ऊपर है, यानी टाइम का बेस्ट यूज करना जिसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। इस फिजिकल वर्ल्ड में जब किसी बड़े और वैल्यूएबल काम को करते हैं तो उसका सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलता है, सेंस ऑफ सेटिस्फिकेशन मिलता है। बट उस बड़े काम को अचीव करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसे सही तरीके से अप्रोच किया जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है प्रोडक्टिविटी का, या अपनी अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाने का, वो रूल है 80-20 रूल। 80-20 रूल यानी इफ यू मेक अ लिस्ट ऑफ टास्क दैट यू वांट टू डू, देन उस लिस्ट में से उन जितने भी सारे टास्क हैं उनमें से 20% टास्क ही ऐसे होंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे और जिन्हें करने से सबसे ज़्यादा सेटिस्फिकेशन मिलेगा और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इसलिए मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन एंड मैक्सिमम पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए प्रायोरिटाइजेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितने भी काम हैं उसे उन उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग उसे प्रायोरिटाइज करना, यानी वह काम करना सबसे पहले जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हो। प्रायोरिटाइजेशन के बाद जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो डेली अपने आप को रिमाइंड करवाना कि कौन जो सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है उसको टाइम देना, ताकि जो कम इम्पॉर्टेंट टास्क हैं उनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। एक बार इम्पॉर्टेंट काम पूरे हो जाएं तो बचे हुए टाइम में जो कम इम्पॉर्टेंट टास्क हैं उन्हें किया जा सकता है। ऐसा करने से जो सबसे अच्छी बात है कि दैट यू विल गेट टाइम टू फोकस ऑन द थिंग्स दैट आर मोर इम्पॉर्टेंट सो दैट यू कैन अचीव मोर। लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि इम्पॉर्टेंट काम करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, जैसे काम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन इंटरनेट पर रिसर्च करना, या काम की लिस्ट बनाने के लिए किसी मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करना, या इम्पॉर्टेंट काम के लिए अलार्म का यूज़ करना। ऐसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का जो सबसे अच्छा बेनिफिट है कि जो टेक्नोलॉजी पहले डिस्ट्रैक्शन का काम करती थी, वही टेक्नोलॉजी अब एक इम्पॉर्टेंट टूल बन जाएगा टू कम्प्लीट इम्पॉर्टेंट टास्क। इस तरीके से टाइम का सही यूज़ करने से कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा, और वो कॉन्फिडेंस लेवल मोटिवेट करेगा टू कीप कंटिन्यूइंग मैनेजिंग द टाइम इन अ एफिशिएंट वे, और ये टाइम का सही यूज़ करना एक हेल्दी हैबिट बन जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड ऑल द बेस्ट।